आपको स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज़ में। मैं कृष्णकांत सिंघारी, अब देखते दिन भर की खास खबर। बेतवा के तट पर विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ हुआ धार्मिक आयोजन, बड़ी संख्या में विद्वान पंडित रहे मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हुए कई जगह कार्यक्रम, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने डाला उनके जीवन पर प्रकाश। और नशे के विरोध में एनएसएस के छात्रों द्वारा निकाली गई रैली, स्वामी विवेकानंद चौराहे पर हुआ समापन, एसएटीआई कॉलेज से हुई थी प्रारंभ। बेतवा नदी के तट पर विप्र ब्राह्मण समाज के द्वारा विद्वान पंडितों की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में विद्वान पंडितों की उपस्थिति रही। पंडित राहुल चौबे व जितेंद्र दीक्षित द्वारा धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। अच्छा श्री ब्रह्मसाय भोजन मंत्र अच्छा श्री ब्रह्मसाय भोजन मंत्र ब्रह्मा गायत्री छंदा ओम गायत्री काम पचंति धीरा सुमनसा भाग्य मद्रता वेदांत नाथ ऋग्मय हिरण्य गर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् मेरी गायत्री तम ब्रह्म साभार धुनुक्ता भव प्रजन्य दिए अच्छा श्री बचित साव विमोचन मंत्र श्री बचित ऋषि विष्णु देवता गायत्री चंदा बचित साव विमोचनार्थम जपे धनी होगा दिए देवी गायत्री तुम बचित साबा विमुक्ता भाव अच्छा श्री विश्वाम जल्दी दिए अच्छा श्री विश्वाम साव विमोचन हमारे साथी पंडित ब्रज मोहन जी शास्त्री के साथ कई यज्ञों का मैंने ब्रह्मणत्व स्वीकार करके ब्रह्मा का पदभार ग्रहण किया है। हर हर महादेव। राहुल चौबे है। राहुल चौबे जी, ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर आज क्या आयोजन है, किस उपलक्ष्य में? आज यहाँ वेदवती के पावन तट पर सभी विदिशा के समस्त विद्वानगण, समस्त ब्राह्मणों ने एक साथ एकत्रित होकर विप्र गायत्री का जप किया, मध्यान्ह संध्या की और सभी ने सामूहिक गायत्री का जाप किया। अपने तेजो बल को वृद्धि करने के लिए यहाँ सभी लोगों ने एकत्रित होकर माँ गायत्री का जाप किया। ये आयोजन हनुमान घाट माँ बेतवती के पावन तट पर आयोजन किया गया। विष्णु प्रसाद शास्त्री, सेवानिवृत्त व्याख्याता धर्माचार्य, विदिशा में निवास करता हूँ। आज ब्राह्मण देवताओं के सानिध्य में मध्यान्ह गायत्री जाप का एक अनुष्ठान किया गया, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से किया गया है। और अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए विश्व कल्याण की भावना यहाँ व्यक्त की। जैसा कि आप समाचार पत्रों में भी देख रहे हैं, पुनः कोरोना का प्रकोप चीन में है, तो भगवान शांति दे, सभी को कल्याण में रखे और ब्रह्म तेज के द्वारा जितनी भी आपदाएं हैं, दैहिक दैविक भौतिक, सब नष्ट हों। सभी ब्राह्मणों की कृपा से ये कार्यक्रम संपन्न हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर अटल उद्यान में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित पार्टी जन उपस्थित रहे। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि जन्म जयंती के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित। एक सादगी का जीवन, एक कर्म योगी का जीवन, एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया जो कि निश्चल सिर्फ देश सेवा के लिए प्रधानमंत्री के पद पर बैठे, सिर्फ देश सेवा के लिए। जन्म जयंती के अवसर पर अटल उद्यान में दुर्गा नगर मंडल की ओर से
जन्म जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत डिटेल में बताया, किसान क्रेडिट कार्ड इतनी बड़ी सौगात है कि हमारे किसान भाई खुशहाली से अपना जीवन जी रहे हैं। पहले साहूकारों के कर्जों के नीचे दबे रहते थे। शहीदों के बारे में उन्होंने एक निर्णय लिया था कि पहले कोई शहीद हो जाता था सेना में तो सिर्फ उसका कपड़ा आता था, तो उन्होंने निर्णय लिया कि उसका राजकीय सम्मान के साथ पूरा जो है अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसे हमारे महान आदर्श सम्मानी अटल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रणाम करता हूं और सभी को धन्यवाद। इन्होंने इस देश को मजबूत करने में एक नई दिशा भारत को दी। पोखरण विस्फोट, किसान क्रेडिट कार्ड और ऐसे अनेक उन्होंने निर्णय किए जो इस देश को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने की रही। किसान का जीवन स्तर उन्होंने सुधारा। सुशासन के दिवस के रूप में आज संपूर्ण देश में आज ये अटल जी की जन्म जयंती मनाई जाती है। हम सबने श्रद्धा से मना। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा मानव सेवा न्यास में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि पर निशक्त व गरीबों को भोजन प्रसादी का वितरण हुआ। अनाज तिलन संघ के अध्यक्ष सहित व्यापारी रहे उपस्थित। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, नमामि गंगे तव पाद पंकज। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा मानव सेवा न्यास में गरीबों असहायों को भोजन कराया जा रहा है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा है, दो वृक्ष हमने यहाँ रोपे हैं और मन की बात भी हम लोग सब यहाँ बैठ कर सुन रहे हैं जब से, और अपने सभी व्यापारी इकट्ठे हुए हैं और बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। पहला हमारा कार्यक्रम है व्यापारी प्रकोष्ठ का, सभी को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं है। आयुष विभाग द्वारा पुरानी नगर पालिका में स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। आयुर्वेद उपचार पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर भाजपा वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। जिनका इलाज आयुर्वेद में नहीं है, आयुष विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में मैं सबसे पहले आयुष विभाग के सभी पदाधिकारियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इस पद्धति जो वर्षों से हजारों वर्षों से जिसके माध्यम से हमारे देश में उपचार हुआ करते थे उसको धीरे धीरे नई संस्कृति और नई तकनीक के आने से पीछे छोड़ रहे थे, जबकि औषधि इलाज जो है एक रामबाण हुआ करता था। आज उसकी हमें जब कोरोना काल आया तो हमारे यहाँ आयुर्वेद की इलाज की परंपरा रही है। उस समय कोई डॉक्टर वाक्टर तो थे नहीं, जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज। अब जंगल में रहते थे और मौसमी अगर बीमारी हो जाती थी तो वो उसके लिए खुद ही अपनी बीमारी का इलाज ढूंढकर जड़ी बूटी पत्ते फल इनसे अपना इलाज किया करते थे। अभी राकेश भाई बता रहे हैं कि 200 साल पुरानी एलोपैथिक का इतिहास है और हमारा तो जब से मानव जीवन है तब से इतिहास है, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो या योग के माध्यम से हो, हम देखेंगे कि कैसी भी परिस्थिति हो आज भी हिमालय पर्वत पर इस मौसम में भी तपस्वी वहां तपस्या करते मिल जाएंगे और वो तपस्या से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सैकड़ों और हजारों वर्ष पुरानी हमारी जो परंपरा है आयुर्वेद की जड़ी बूटी की और बाकी योग के माध्यम से जीवन जीने की उसी की शक्ति के कारण आज भी सैकड़ों तपस्वी वहां तपस्या कर रहे हैं। ये ताकत है आयुर्वेद की हमारी, होम्योपैथिक की नहीं, आयुर्वेद एक जीवन। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार अहिरवाल, जिला आयुष अधिकारी विदिशा,
आज क्या अवसर है और क्या आयोजन है और इसमें अतिथि के रूप में कौन पधारे थे? जी जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग के द्वारा जो है निर्देशानुसार आज यहाँ पर जो है विशाल आयुष मेला का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत विशाल निःशुल्क जो है आयुष चिकित्सा शिविर आयोजित भी किया गया है, जिसके अंदर होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी तीनों चिकित्सा पद्धतियों के जो है यहाँ पर वरिष्ठ डॉक्टर यहाँ पर आए हैं, अनुभवी चिकित्सक आए हैं, जो कि यहाँ पर लोगों को देखकर, पेशेंट को देखकर उसके बाद में उनका इलाज यहाँ करेंगे और साथ में उनको मुफ्त जो है औषधियाँ भी वितरित की जाएंगी। सर विशाल की बात कर रहे हैं, मात्र 50-60 लोग ही हैं, मतलब इसमें आए हैं, इसके बारे में क्या कहीं कमी रहेगी? जी सर, एक्चुअली प्रोग्राम जो है हमारा सुबह से 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का है, और चूंकि शिविर है इसके अंतर्गत तो शिविर में भी धीरे धीरे करके लोगों की संख्या बढ़ेगी। हम जैसे देख रहे हैं सुबह से भी संख्या काफ़ी बढ़ गई है और धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा लोगों की संख्या भी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। और क्या महत्व है जी, आज आपने जैसा कि देख लिया है कोविड के समय के बाद में, जैसे 2020 के बाद में आपने देखा कि कोविड के समय में बहुत ज़्यादा उपयोगिता आयुष औषधियों की सिद्ध हुई है, खासतौर से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जैसा कि हमने शासन द्वारा निर्देशित त्रिकटु काढ़ा उसको हमने यहाँ पर वितरित किया था, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है और अभी भी वितरित किया जा रहा है। इसके साथ में जो है यहाँ पर आज विभाग के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वितरित की जा रही हैं, योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिसके अंतर्गत एक मुख्य योजना देवरणी योजना है, जिसमें हम लोगों को निःशुल्क औषधीय पौधे लगाने के लिए यहाँ से वितरित कर रहे हैं और भी विभागीय योजनाओं की जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। बढ़ते नशे के विरोध में आज SETI कॉलेज के NSS छात्रों द्वारा रैली के माध्यम से नशा से दूरी बनाने का संदेश दिया गया। यह रैली स्वामी विवेकानंद चौराहे पहुंची, जहां छात्रों ने दी जानकारी। ये हमारी नशा मुक्ति के लिए ये रैली हमारी विदिशा कॉलेज से ईदगाह चौराहा तक के लिए निकाली जा रही है। क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है कि हम लोग नशा ना करें, नशा मुक्ति, यही उद्देश्य हमारे लोगों का। नशे के दुष्प्रभाव क्या है? नशे के बहुत से दुष्प्रभाव हैं, जैसे नशा करने के बाद वाहन चलाने से आदमी बहुत से दुष्प्रभाव हैं, नशा नहीं करना चाहिए, नशे के बहुत से। कनाडा खेल मैदान में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण सिंह दांगी व श्याम सुंदर शर्मा पहुंचे। राष्ट्रगान तैयार कर लें, सभी लोग ग्राउंड में उपस्थित सभी लोग से अनुरोध है कि सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। शुरू कर दें। कुशभाव ठाकरे खेल परिसर में कनाडा क्रिकेट क्लब की ओर से 53वां जो है क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इसमें पूरे प्रदेश की हमारी टीमें भाग ले रही हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है और मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई संदीप डोंगर जी, उनकी पूरी टीम। लंबे समय से विदिशा में खेल का वातावरण नहीं था, उन्होंने एक वातावरण भी तैयार किया और यहाँ मैदान भी नहीं था खेल मैदान, तो आज एक भव्य विकसित रूप से जो खेल मैदान तैयार किया, उसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और विदिशा के हमारे शहर के लोग भी कनाडा क्रिकेट क्लब के लिए हमेशा सहयोग करते रहते हैं और आज जो टीमें भाग ले रही हैं उनके लिए अग्रिम बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
चलिए इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज कनारा क्रिकेट क्लब विदिशा द्वारा आयोजित, इसके आयोजक जो है संदीप डोंगर सिंह जी हैं, जिनके माध्यम से विदिशा में खेल मैदान का जो तैयारी की, और आज विदिशा जिले में नहीं पूरे मध्य प्रदेश और देश में विदिशा जिले का नाम है। आज सीहोर और सतना दो टीमें यहाँ पर खेलने आई हैं और हमारे साथ सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्रिकेट क्लब के पूरे जो साथी हैं और संदीप डोंगर सिंह जी की जो पूरी टीम है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निरंतर आपका ऐसा प्रयास बना रहा है और विदिशा मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की टीमें यहाँ पर विदिशा आती रहें, हम सब उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। जय हिंद युवा संगठन द्वारा निराश्रित गरीब घरेलू महिलाओं को ठंड से बचने के लिए कंबलों का वितरण किया गया, वहीं भोजन के पैकेट भी दिए गए। जय हिंद जागरण ग्रुप के हरवंश सिंह आनंद, अरुण अवस्थी मुख्य रूप से उपस्थित थे। ऐसे बेसहारा लोगों को जय हिंद युवा संगठन की सहयोगी शाखा जय हिंद जागरण ग्रुप के द्वारा गरीबों को कंबल, भजन और भोजन का कार्यक्रम रखा गया था। भजन नहीं हुए हमारे, लेकिन भोजन के पैकेट इनको साथ में दिए गए हैं। अभी हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का शहीदी दिवस है, इस वजह से हमने भजनों का आयोजन बंद कर दिया है और हमने कंबल बांटे हैं। हमारे जय हिंद युवा संगठन के एक गुप्त दानदाता जो हमें हर साल कंबल बांटने को कहते हैं, और ऐसी गरीब महिलाओं को, मजदूरों को, जो ये हमारे दादा 115 साल के हैं, 115 साल के सूरज सिंह विश्वकर्मा, ये उदयनगर कॉलोनी में रहते हैं, पूरे मोहल्ले में मांग कर खाते हैं, भीख मांगने नहीं जाते, लेकिन कोई मोहल्ले वाला कभी कोई खिलाता है, कभी कोई खिलाता है। तो हम ऐसे लोगों को कंबल बांटते हैं जो भीख नहीं मांगते, जो मजबूर हैं। भिखारियों को हम कंबल नहीं देते, किसी को हम दान नहीं देते, हम ऐसा काम करते हैं। और हमारे संगठन में सुरेश साहू जी, हमारे अरुण अवस्थी जी और संगठन के बहुत से लोग हैं जो समय अभाव के कारण नहीं आ पाए, फिर भी हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। हम सबके बहुत बहुत आभारी हैं और हमारे दानदाता जो गुप्त दानदाता हैं जिन्होंने ये हमें कंबल दिलवाए, हम उनका भी हृदय से आभार करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमें तंदुरुस्त रखे, खुश रखे और स्वस्थ रखे, उनका परिवार खुश रहे और इन सब की दुआएं उनके परिवार को लगे। सागर रोड स्थित ओलंपस हाई स्कूल द्वारा कक्षा 6 से 11 के बच्चों की वर्किंग मॉडल पर आधारित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। प्रदर्शनी में मुख्य रूप से उपस्थित रहे के एन शर्मा, पूर्व प्राचार्य MLV, SATI कॉलेज के सिविल के प्रोफेसर के पंजाबी, CM राय स्कूल की उप प्राचार्य दीप्ति शुक्ला। अतिथियों ने बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल्स को खूब सराहा। प्रदर्शनी में बच्चों ने एक से बढ़कर एक वर्किंग मॉडल्स बनाए, जैसे हाइड्रोलिक मिसाइल, ओलिवेरा से बिजली उत्पन्न करना, बायोगैस प्लांट, ट्रेड मॉडल, गणित में गोला भाग की तकनीक, सोलर वाटर और विंड द्वारा बिजली उत्पन्न करने के उपकरण इत्यादि। प्रदर्शनी में अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल संचालक मोहित रघुवंशी, प्राचार्य प्राची रघुवंशी सहित सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे।
इन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विधि संयम टी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।